नूरपुर ब्लॉक के सुल्याणी पंचायत में नूरपुर विधायक राकेश पठानिया द्वारा दो हरिजन बस्तियों देव भराड़ी सराड़पुरा हरिजन बस्ती तथा लोहारपुरा हरिजन बस्ती को आदर्श गांव बनाने के चलते भूमि पूजन किया गया। इन बस्तियों को आदर्श बस्तियां बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20-20 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है, जिसकी पहली किश्त 10-10 लाख रुपए आ चुकी है और एक दो दिन में काम शुरू हो जाएगा। साथ में नूरपुर विधायक ने समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई सिलाई मशीनों को गरीब परिवार की 9 महिलाओं को वितरित किया। नूरपुर विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि कुछ महीने पहले हमने केंद्र सरकार से इन हरिजन बस्तियों को एक आदर्श गांव बनाने की मांग की थी, जिसकी हमें मंजूरी मिल गई और पहली किश्त भी आ गई। अब हम इन बस्तियों को एक आदर्श गांव बनाने जा रहे हैं और साथ में इस गांव में एक पीने के पानी का टैंक भी बनकर तैयार हो जाएगा। उन्हें जल्द ही लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए नूरपुर विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि हम नाम पट्टिका बदलने का श्रेय लेने का काम नहीं करते। हमारे द्वारा कई कार्यों के लिए पैसा मंजूर करवाया गया था, जिसका श्रेय कांग्रेस पार्टी लेती आ रही है। जल्द ही सुल्याणी गांव में 1 करोड़ की लागत से अंबेडकर भवन का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिसमें गरीब लोगों को शादी विवाह की मुफ्त सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही 11 करोड़ रुपए लागत से बनी सिंचाई परियोजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिससे गांव के किसानों को अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार पर जयराम सरकार के सहयोग से पंचायत के कार्यों में भी तेजी आई है। हमारे पास 20 लाख रुपए आया है, इसके लिए हमने मांग की थी। ये मैंने कुछ 7 महीने पहले इसको डाला था और भारत सरकार से रिलीज होके आता है, पर क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 5 महीने से सारे पैसे रुके हुए थे, अब ये पैसा रिलीज हो गया है तो हम परसों इसका काम शुरू कर देंगे। इसमें आगे भी हम धनराशि और अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। एक आदर्श गाँव बनाने का एक स्वप्न, इसका हम पूरा करने जा रहे हैं। पंचायत उप प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि नूरपुर विधायक राकेश पठानिया के प्रयासों द्वारा इन हरिजन बस्तियों को आदर्श गांव बनाया जा रहा है। इसके लिए हम केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार और अपने नूरपुर विधायक राकेश पठानिया का धन्यवाद करते हैं। मैं पंचायत का जनप्रतिनिधि होने के नाते आज ये सौभाग्य की बात है कि एक हरिजन बस्ती, गरीब बस्ती, यहाँ मैंने पिछले 4-4.5 वर्षों से यहाँ लगातार मैं देखता रहा। ऐसी स्थिति थी कि पांव धरना भी मुश्किल था। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, आज गरीब की ओर देखा है। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी हिमाचल सरकार का, और धन्यवाद करना चाहता हूं यहां के स्थानीय विधायक राकेश पठानिया जी का, जिन्होंने पूरी लगन के साथ ये पैसा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूर करवाकर लोहारपुरा गांव और देवराड़ी गांव के लिए 40 लाख रुपये का जो अनुदान, जो फंड अदा किया है, मैं अपनी पूरी समस्त जनता की ओर से, ग्राम पंचायत सुलेली की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक गरीब की ओर देखा है और आज दोनों गांव आदर्श गांव बनने जा रहे हैं। ये सिर्फ मेरे लिए और खुशी की बात कोई नहीं है। एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने